नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हमारे देश को मंदिरों का घर कहा जाता है, जहां हर मंदिर के अपने विशेष रीति रिवाज होते हैं। कई रिवाज तो ऐसे अनोखे होते हैं जिन पर विश्वास कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के अनोखे रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ पर मिर्ची से अभिषेक किया जाता है। इसका कारण भी बेहद चौंकाने वाला है, तो आइए जानते हैं इस अनोखे मंदिर और इसके रिवाज से जुड़े रहस्य के बारे में। दरअसल वर्णामुथु मरियम्मन मंदिर तमिलनाडु के सबसे बड़े जिले वेलुपुरम में विश्व प्रसिद्ध ऑरिविले इंटरनेशनल टाउनशिप के पास एक गांव इंघाचवाड़ी में स्थित है। यहां प्रतिवर्ष 8 दिनों तक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें मिर्ची का अभिषेक देखने बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये लोगों के स्वस्थ रहने की कामना के लिए किया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ के 3 सबसे वरिष्ठ लोग पहले अपने हाथ में कंगन धारण करते हैं और फिर दिन भर उपवास रखते हैं। इसके बाद उनका मुंडन संस्कार होता है। फिर पुजारी उन्हें देवताओं की तरह पूजा स्थान पर बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। फिर उनका विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। इसमें चंदन, कुचले हुए फूल आदि शामिल होते हैं। इसके बाद मिर्ची का अभिषेक होता है। इसमें तीनों को मिर्च के लेप से स्नान कराया जाता है। उससे पहले इन्हें मिर्च का लेप खिलाया भी जाता है। इसके बाद आखिर में उन्हें नीम के जल से स्नान कराकर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें जलते हुए अंगारों पर चलना होता है। बताया जाता है कि यह परंपरा करीब 85 सालों से निभाई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के एक व्यक्ति को भगवान ने स्वयं दर्शन देकर यहाँ के लोगों को रोगों से दूर रखने के लिए इस परंपरा को निभाने का आदेश दिया था, तभी से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।